जब आपको पता था कि आपका बेटा एक नपुंसक है, तो मुझसे उसकी शादी देने की क्या आवश्यकता थी? मेरी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया? अरे सीमा, एक बारिश के लिए बस। जब आपको पता है कि आपका बेटा नपुंसक है, तो बारिश कैसे मिल सकती है? कहाँ से हो सकता है ये? अरे सीमा, मैं हूँ ना, मैं दूंगा ना। राधेश्याम सेठ अपने बेटा भोला के लिए लड़की देखने के लिए जगन्नाथ जी के घर आए हुए थे। वैसे राधेश्याम जी काफी अमीर थे, वहीं जगन्नाथ जी एक गरीब किसान थे। अरे जगन्नाथ जी, जरा लड़की को तो बुलाए, उसे तो देख लूं। अरे हाँ हाँ जगन्नाथ जी, अभी बुला देता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा सीमा को लेके आओ। अरे सीमा, मेहमानों के लिए नाश्ता वगैरह तो लेके आ। तभी सीमा आती है नाश्ता लेकर मेहमानों के लिए। ये लीजिए नाश्ता। हाँ हाँ बेटी, यहाँ रख दे। राधेश्याम सेठ सीमा को गौर से देखता है और देखने के बाद कहता है, अरे जगन्नाथ जी, हमें लड़की खूब पसंद आई, हम तो भोला की शादी इसी लड़की से देना चाहते हैं। अरे राधेश्याम जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक बार आप अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए, उसे लड़की पसंद तो आई। अरे जगन्नाथ जी, आप उसकी चिंता ना करें, मुझे पसंद आई मतलब मेरे बेटे को भी पसंद आई है, उसे अलग से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द शादी के लिए तारीख देखिए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी बेटी आपके घर जाएगी, रानी बन के रहेगी। अरे हाँ हाँ मीना देवी जी, चिंता ना करे, उसे तो हम रानी बना के ही रखेंगे। भोला और सीमा की शादी तय हो जाती है। राधेश्याम सेठ काफी अमीर थे, इसीलिए सीमा के घर वाले और भोला के बारे में कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं और शादी तय कर देते हैं। भोला और सीमा की शादी गांव के ही एक शिव मंदिर में करा दी जाती है। इस शादी से सभी कोई खुश थे, सीमा भी काफी खुश थी क्योंकि वो एक अमीर परिवार की बहू बनने वाली थी। आज सीमा और भोला की शादी की सुहागरात थी। कमरे को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। बिस्तर पर पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे। सीमा बिस्तर पर बैठे हाथों में दूध का गिलास लिए अपने पति भोला का इंतजार कर रही थी। सीमा इंतजार करती है, लेकिन अभी तक भोला नहीं आए थे। काफी समय हो जाता है, काफी देर बाद भोला आता है। अरे सीमा, अभी तक तुम सोई नहीं हो, जगी हुई हो, जाके सो जाओ। अरे भोला जी, मैं कैसे सो सकती हूँ, आज हमारी शादी की सुहागरात है और मैं ऐसे ही सो जाऊं? अरे ऐसे भी मैं आज काफी थक गया हूँ और यहाँ पर इतने सारे फूल बिखरे हुए हैं, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम यहाँ सो जाना। लेकिन जी आज हमारी सुहागरात है और आप दूसरे कमरे में। अरे सुहागरात है तो क्या हुआ, कभी भी मना सकते हैं, जाओ सो जाओ। अब मैं जा रहा हूँ, काफी थक गया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं। ये कहते हुए भोला वहाँ से चला जाता है दूसरे कमरे की ओर। और इधर सीमा, अरे ये क्या, ये कैसे पति है, आज हमारी सुहागरात है और ये जा रहे हैं दूसरे कमरे में सोने के लिए, अब मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है, आज काफी थक गए होंगे किसी कारण, बस कल बात करते हैं, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। फिर सीमा भी यही सो जाती है और ऐसे ही रात कट जाती है। शादी की दूसरी सुबह सीमा चाय लेकर अपने पति के कमरे में आती है, जहाँ भोला तैयार होकर बिस्तर पर बैठा हुआ था। सीमा भोला के पास आती है। अरे आप तैयार भी हो गए, ये लीजिए चाय। ये कहते हुए सीमा भोला के और करीब जाती है। तभी भोला कहता है, अरे अरे ये क्या कर रही हो, चाय क्या दे रही हो या मेरे ऊपर ही गिराओगी, थोड़ा दूरी खड़ा रहो ना, ठीक रहता है। अरे क्या भोला जी, आप तो मेरे पति है, मैं आपके करीब नहीं आऊंगी तो क्या पड़ोसी के करीब आऊंगी? हाँ हाँ वही सही रहेगा, मेरा अभी मूड नहीं है, वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भोला चाय पिए बिना ही ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अरे कैसे पति है, अब चाय भी नहीं पिए और मैं इनके करीब जाती हूँ तो ये दूर भागते हैं, क्या कोई दिक्कत है इन्हें मुझसे, मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। राधेश्याम सेठ हॉल में बैठे हुए थे, तभी सीमा चाय लेकर राधेश्याम सेठ के पास आती है। पापा ये लीजिए चाय। अरे सीमा आओ लाओ, यहाँ रख दो, मैं पी लूंगा। पापा आपसे कुछ बातें पूछनी थी मुझे। हाँ हाँ पूछो ना, क्या बात है? पापा वो भोला को कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है,
भोला ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे नहीं पापा, उनका बिहेवियर देख के वैसा लगता है। अरे नहीं नहीं, अभी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए थोड़ा सा हो गया होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओ, हो सकता है। ये कहते हुए सीमा वहाँ से चली जाती है। और इधर राधेश्याम सेठ, अरे सीमा को भी डाउट होने लगा भोला पर। भोला को मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, इसके साथ अच्छा बिहेव किया करो, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। मुझे फिर से समझाना पड़ेगा, नहीं तो इसे डाउट हो जाएगा। एक रोज भोला और उसके पिता राधेश्याम सेठ दोनों कमरे में बात कर रहे थे, तभी सीमा किसी काम बस छत पर आ रही थी। उन दोनों को बात करते देख सीमा वहाँ रुक जाती है और सुनती है। अरे भोला, मैंने तुझे कहा था ना कि बहू से अच्छा बिहेव करना, लेकिन तुमसे होता नहीं है। एक दिन हुई शादी को और तुम फिर से वैसा ही बिहेव करने लगा। सीमा को तुम्हारे ऊपर डाउट होने लगा है, वो पूछ रही थी मुझसे तुम्हारे बारे में। अरे पापा, तो मैं क्या करूं? मैंने तो कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने ही मुझे जबरदस्ती शादी करवाई, तो क्या तुझे ऐसे ही छोड़ देता? आपको जब पता था कि मैं एक नपुंसक हूँ, तो आपको मेरी शादी देने की क्या आवश्यकता थी? अरे तेरी शादी नहीं देता तो समाज वाले क्या कहते कि मैं एक नपुंसक को पैदा किया हूँ? बिरादरी में मेरी इज्जत कहाँ जाती, मिट्टी में मिल जाती। सीमा दरवाजे के पीछे से ये सारी बातें सुन लेती है। सीमा के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, मानो ये बात सुनने के बाद कि उसका पति एक नपुंसक है। सीमा और कुछ नहीं कहती है, वहाँ से जल्दी से चली जाती है। सीमा कमरे में आती है और इस बात को सोचने लगती है। ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, वो इसी बारे में सोचते रहती है। अरे मेरे पति एक नपुंसक है, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी एक नपुंसक से देती है, ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब सीमा को समझ में आ गया था कि इतने बड़े घर का रिश्ता सीमा के लिए क्यों आया था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही सहते सहते सीमा का अब सब्र का बांध टूट जाता है। वो आती है राधेश्याम सेठ के पास उससे पूछने के लिए। अरे सीमा, कुछ कह रही हो क्या? हाँ, कुछ कहना है आपसे। जब आपको पता था कि आपका बेटा एक नपुंसक है, तो मुझसे उसकी शादी देने की क्या आवश्यकता थी? मेरी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया? अरे सीमा, एक बारिश के लिए बस। जब आपको पता है कि आपका बेटा नपुंसक है, तो बारिश कैसे मिल सकती है? कहाँ से हो सकता है ये? अरे सीमा, मैं हूँ ना, मैं दूंगा ना। क्या आप देंगे? जी 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 जी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि आप ऐसी घटिया सोच वाले हैं। मुझे ये बात सोच के भी घिन आ रही है। अरे अरे सीमा, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, पहले बात को तो सुनो। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और का बच्चा तुम्हारे गोदी में ला दूं, ताकि किसी को पता ना चले और इस घर में ये भी बदनामी ना हो कि मेरा बेटा नपुंसक है और किसी को ये बात पता भी ना चले। यही कहना चाहता था। क्या किसी और का बच्चा को मैं अपना बच्चा मानूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं मानूंगी मैं। ये कहते हुए सीमा वहाँ से चली जाती है। अरे बहू को पता भी चल गया, अब ये बच्चा लेने से भी इनकार कर रही है, क्या करूं? ऐसे ही वक्त बीतता है। एक रोज सीमा भोला को चाय देने के लिए आ रही थी कि अचानक से सर चकरा कर गिर पड़ती है। अरे सीमा, सीमा क्या हो गया तुम्हें? सीमा, सीमा, पापा, पापा देखिए क्या हो गया इसे, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, बेहोश हो गई है सीमा। कुछ समय बाद राधेश्याम सेठ एक डॉक्टर साहिबा को लेके आता है। डॉक्टर साहिबा सीमा को चेक करती है। अरे कोई घबराने की कोई बात नहीं है। अरे डॉक्टर साहिबा, तो फिर सीमा बेहोश क्यों हो गई थी? खुशखबरी है, आपके घर कोई नया मेहमान आने वाला है, इसीलिए। क्या सच में? अरे डॉक्टर साहिबा, आपने अच्छे से चेक तो किया ना? अरे हाँ बाबा हाँ, मैं बहुत अच्छे से चेक की हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। आपसे फिर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। तभी भोला सीमा से पूछता है। अरे सीमा, तुम्हें जब पता था कि मैं एक नपुंसक हूँ, मुझसे तुम्हें बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, तो ये बच्चा कहाँ से आया? कहाँ मुँह काला करके आई तुम? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम एक नपुंसक हो और तुमसे मुझे कोई बच्चा नहीं हो सकता है, इसीलिए तो IVF करवा के आई हूँ, ताकि इस बच्चे पर मेरी भी थोड़ी सी फीलिंग रहे। और तुम्हारे पापा, उन्हें बच्चा चाहिए था,
जिस कारण ये करवाना पड़ा, नहीं तो मैं कभी बच्चा लेती ही नहीं। और तुम दोनों की इज्जत के खातिर मैं ये बच्चा ली हूँ, और कुछ नहीं। भोला और राधेश्याम सेठ दोनों ये बात सुनकर दोनों काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। राधेश्याम सेठ वहाँ से चला जाता है। भोला सीमा से कहता है, अरे सीमा माफ कर दो मुझे, आज तुम मेरी इज्जत के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मुझे तुम्हें शादी से पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बता नहीं पाया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अरे भोला ठीक है ना, अब सब कुछ ठीक है, अब मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। बच्चा ही सब कुछ नहीं होता है, एक दूसरे के बीच प्यार ही सब कुछ होता है। और अगर पति पत्नी के बीच प्यार रहे तो वो दोनों दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान होते हैं। अब सीमा भी अपने पति को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो एक नपुंसक है। और इधर भोला भी अब सीमा के साथ कोई जाति नहीं करता है, उससे प्यार से रहता है। कुछ महीनों के बाद सीमा एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है और सभी कोई अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बड़ा मजेदार सीन है, सुबह सुबह अच्छा ही हुआ आंखों की कसरत हो गई। कई दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, आप इसी प्रकार देखते हैं, अगर देखना ही है तो सामने से देख। किशोरी प्रसाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और ये है उसका बेटा सूरज, जो कि अब किशोरी प्रसाद का सारा कारोबार देखता है। ये है सूरज की बीबी पूजा और ये है उसके घर में काम करने वाली कमला। कमला घर में पोछा लगा रही थी तभी सूरज की बीबी पूजा तब से देख रही थी। अरे कमला कैसे काम कर रही है, अच्छा से पोछा लगा, साफ भी नहीं हो रहा है फर्श। अरे दीदी साफ हो रहा है, आप अच्छे से देखो, इससे अच्छा से मैं नहीं कर पाऊंगी। पूजा हमेशा कमला से काम करवाती है, इसीलिए कमला पूजा को पसंद नहीं करती है। कमला पोछा लगाती है तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। अरे कमला क्या कह रही हो, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। हाँ हाँ साहब, आप कमरे में जाकर बैठिए, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। सूरज कमरे की ओर चला जाता है और इधर कमला पोछा वहीं छोड़ भाग रही थी चाय बनाने के लिए, तभी पूजा कहती है, अरे कमला पहले पोछा तो लगा दे। अरे दीदी बाद में लगा दूंगी, अभी साहब जी को जल्दी से चाय बना देती हूँ, उनका सर पकड़ा होगा। ये कहते हुए कमला जल्दी से वहाँ से रसोई की ओर जाती है और इधर पूजा, मैं जो काम बोलती हूँ उसे कर नहीं सकती है, लेकिन सूरज ने कहा तो तुरंत चली गई। रुक कमला तुझे दिखाती हूँ मजा। कमला रसोई आकर सूरज के लिए चाय बैठाती है और मन ही मन सोचती है, ये साहब जी कितने अच्छे हैं और ये मेम साहब दिन भर खटपट खटपट करते रहती है, ये कर दो वो कर दो। साहब जी तो मेरे लिए गिफ्ट भी लाते हैं, लेकिन मेम साहब एक मिठाई भी नहीं देती है। बढ़िया ये कर दो, काश ऐसा पति मुझे भी मिलता तो मेरी जिंदगी तो यूं ही निकल जाती। कमला ये सब रसोई में चाय बनाते बनाते सोच ही रही थी कि वहाँ पर पूजा आ जाती है। अरे कमला, कमला अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अरे कमला कहाँ खो गई? अरे हाँ 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 मैम साहब कहिए क्या हुआ। साहब को चाय देने के बाद हम लोगों के लिए नाश्ता भी बना देना। ये कहते हुए पूजा वहाँ से चली जाती है। आ गई, ऑर्डर देके चली गई, अब इनकी फरमाइश भी पूरा करो। बढ़िया ये। एक रोज सुबह सुबह कमला घर में पोछा लगा रही थी, वही दूर सोफे में बैठा किशोरी प्रसाद अखबार पढ़ रहा था। घर अच्छे से साफ नहीं होता है, जिस कारण कमला आज पोछा लगा रही थी बैठ बैठ कर घिस घिस के। तभी उसकी नजर अचानक से किशोरी प्रसाद के अखबार में जाता है। वो ध्यान से देखती है तो वो देख पाती कि अखबार में एक बड़ा सा छेद है, जिस छेद से किशोरी प्रसाद कमला को देख रहा था, घूर रहा था। अरे लो जिसे देखना चाहिए वो तो देखते नहीं है और इस बुड्ढे को जवानी चढ़ी है। फिर कमला उसे नजरअंदाज करते हुए पोछा लगाने लगती है और किशोरी प्रसाद अखबार के अंदर से घूर घूर कर कमला को देखते रहता है। अरे बड़ा मजेदार सीन है, सुबह सुबह अच्छा ही हुआ आंखों की कसरत हो गई। किशोरी प्रसाद ऐसे कमला को घूर रहा था तभी कमला उठकर जाने लगती है। तभी किशोरी प्रसाद कहता है, अरे कमला कहाँ जा रही है? अरे साहब जी पोछा लगाना हो गया तो क्या करूँ? अरे कमला एक कप गर्मा गर्म चाय बना के ला देना,
बड़ा मजा आएगा सुबह सुबह पीने में। हाँ हाँ साहब, ला देती हूँ। फिर कमला वहाँ से चली जाती है और इधर किशोरी प्रसाद, अरे कितना अच्छा दूरदर्शन चैनल चल रहा था, वो भी बंद हो गया। एक सुबह सूरज सोफे पे बैठा हुआ था, तभी कमला आती है उसे चाय देने के लिए। अरे साहब जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। ओ कमला, लाओ लाओ लाओ, गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है सुबह सुबह। कमला सूरज को चाय देने के लिए जैसे ही झुकती है, कमला अपना कपड़ा थोड़ा सा घिरा देती है ताकि सूरज उसे गौर से देखे और उसकी ओर अट्रैक्ट हो। लेकिन सूरज कमला को इग्नोर करते हुए चाय ले लेता है और ये सारी चीजें पीछे खड़ी पूजा देख लेती है। तभी पूजा तुरंत कहती है, अरे कमला। कमला पूजा का आवाज सुन हड़बड़ा जाती है और अपने कपड़े को ठीक करते हुए कहती है, हाँ हाँ मैम साहब, मैम साहब कहिए कहिए। वो कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी जा किचन में, जा किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आ गई कबाब में हड्डी, जाती हूँ मैम साहब, ये मेरा कभी दाल गलने नहीं देगी। कमला वहाँ से चली जाती है। पूजा सूरज के समीप आता है और उससे कहता है, अरे सूरज मुझे ये कमला पसंद नहीं है, तुम्हारे नजदीक आती है और तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, मुझे तो एकदम पसंद नहीं है। हम इस नौकरानी को घर से छुड़ा देते हैं, दूसरी नौकरानी देखते हैं, घर का काम करने वाली। अरे पूजा तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, बस और क्या चाहिए, और वैसे भी तुम इसे काम पर रखो या किसी और को, वो तो तुम्हारी मदद के लिए रखा गया ना, तुम अपनी पसंद से चूज कर लेना। ठीक है सूरज, मैं देखती हूँ दूसरी काम वाली। पूजा और सूरज की बातें उसकी काम वाली कमला पीछे से खड़ी खड़ी चुपके चुपके सुन लेती है। अरे ये लोग मुझे काम से हटाने वाले हैं, यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी सुविधा, ऐसी ऐसो आराम वाली जिंदगी कहाँ मिलेगी, कुछ तो चाल चलना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरी सुबह किशोरी प्रसाद फिर से वही अखबार लेकर बैठ जाता है और अखबार के छेद से कमला को घूर घूर के देखने लगता है। अरे दूरदर्शन चालू। कमला को जैसे ही पता चलता है कि किशोरी प्रसाद उसे घूर घूर के देख रहा है, वो खड़ी हो जाती है और किशोरी प्रसाद के नजदीक जाती है और कहती है, अरे साहब जी ये क्या अखबार के बीच छेद से देखते हैं, अखबार हटा के पूरा पूरी देख लीजिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। किशोरी प्रसाद ये बात सुनकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। अरे अरे कहाँ 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 मैं देख रहा हूँ, नहीं 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 तो मैं तो नहीं। अरे साहब जी कई दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, आप इसी प्रकार देखते हैं, अगर देखना ही है तो सामने से देख। कमला अपना चाल चलती है क्योंकि उसे सूरज तो मिलने से रहा, इसीलिए वो उसके पिता किशोरी प्रसाद को ही पटाने में लग जाती है। अब कमला अपना चाल चलती है किशोरी प्रसाद को पटाने में, कभी किशोरी प्रसाद के लिए चाय लेके आती है तो कभी बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर कभी डोसा खिलाती है। इसी प्रकार कमला किशोरी प्रसाद को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब जब घर पर सूरज और पूजा नहीं होते हैं तो किशोरी प्रसाद कमला को रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना भी खिलाता है। अरे कमला ये देखो, ये मोमोज है, खा के देखो बड़ा मजा आएगा। अरे साहब जी आप नहीं होते तो ऐसे रेस्टोरेंट में और ऐसा खाना कहाँ नसीब होता मुझे। अरे चिंता क्यों करती है, जब तक मैं हूँ तब तक तुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा भी होता है कि किशोरी प्रसाद बीच बीच में कमला के लिए गिफ्ट भी लेके आते हैं। कमला इससे काफी खुश होती है और कमला को अपना चाल सक्सेस होते हुए नजर आता है। ऐसी दिन बीतता है और एक रोज तो हद ही पार हो जाती है, किशोरी प्रसाद कमला को शादी करके घर लेके आ जाता है। अरे पापा आपने ये क्या किया, एक नौकरानी से शादी कर ली। हाँ पापा आपने ये क्या किए, आपने एक नौकरानी से शादी कर ली। जी जी पापा, ये तो सूरज को फंसाने वाले थे, जब सूरज नहीं फंसा तो आपको फंसा ली, बहुत चालबाज है, इसे छोड़ दीजिए पापा, इसे भगा दीजिए घर से। हाँ पापा आपने ये क्या किया, इसे भगा दीजिए। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, ये मेरी बीबी है और आज से तुम्हारी माँ भी, छोटी माँ कहना इसे। अरे प्यार अंधा होता है और इस उम्र में मेरा सहारा बनने के लिए कोई तो चाहिए था, इसीलिए हमने इससे शादी कर ली। बेटा ये मेरी सहारा बनेगी। अरे पापा ये सहारा खाक बनेगी, ये तो इस घर में घुसना चाहती थी जैसे भी हो करके राज करने के लिए।
अरे किशोरी देखो ना, ये लोग कैसा कैसे बातें कर रहे हैं। चलो हम लोग कमरे में चलते हैं, यहाँ पे रहेंगे जितने देर उतने देर ऐसी बातें होती रहेगी। हाँ हाँ सही कह रही हो कमला, चलो चलो चलते हैं कमरे में। फिर किशोरी प्रसाद और कमला दोनों कमरे में चले जाते हैं। और इधर सूरज और पूजा। अरे सूरज मैं कह रही थी ना, ये लड़की ठीक नहीं है, पहले तुम्हारे ऊपर ये सब कर रही थी, अब देखो तुम नहीं फंसे तो पापा को ही फंसा दी, नहीं पता अब क्या क्या दिन दिखाएगी ये लड़की। दूसरी रोज सुबह सूरज हॉल में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर कमला आकर बैठती है। अरे कमला यहाँ बैठ रही हो, जाओ एक कप चाय लेके आओ मेरे लिए। तभी कमला आवाज लगाती है, अरे पूजा पूजा कहाँ हो, जल्दी आओ यहाँ। सूरज की बीबी पूजा आवाज सुन जल्दी से वहाँ पहुँचती है। अरे कौन पुकारा मुझे, हाँ क्या हुआ। अरे पूजा तुम्हारे पति कह रहे हैं एक कप चाय बनाने के लिए, उनके लिए चाय लेके आओ और मेरे लिए भी अच्छा सा मलाई मार के चाय बना के लेके आओ। अरे कमला तुम मुझे कह रही चाय बनाने के लिए, नौकरानी तू है मैं नहीं जो मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आऊंगी। अरे पूजा तुम शायद भूल गई हो, कल ही मैंने तुम्हारे ससुर जी से शादी करके इस घर की मालकिन बन गई हो, तो आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ नौकरानी नहीं। जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लेके आओ और आज से ऑर्डर मैं नहीं तुम फॉलो करोगी। कमला के एक दिन हुए शादी करते ही ऑर्डर देने लगती है मालकिन जैसा, नौकरानी बन जाती है मालकिन और अपना दिखाने लगती है रंग।